सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और दोस्तों आज आपको एक नई खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो कि पहले से जो खेती हो रही थी टमाटर की, उसमें आपने देखा था जमीन पे ही टमाटर के पौधे रहते थे। आज की जो टेक्निकली खेती है टमाटर की, वो आप देख सकते हैं एक एक पौधा लगभग 7 से 8 फीट हाइट लंबा है। यह खेती आपने ज़्यादातर पॉली हाउस में देखी होगी, क्योंकि यह पॉली हाउस के अंदर ही होती थी। पर एक युवा किसान ने अपने खेत में खुले में यह खेती की है और इसका 100% रिजल्ट लिया है। वो कैसे इतना प्रोडक्शन ले रहे हैं और कैसे अपने पौधों को मेंटेन कर रहे हैं और ये खेती से इतना फ़ायदा वो कैसे ले रहे हैं, इस सब के बारे में एक युवा किसान से आपका परिचय करवाते हैं, जो टमाटर की टेक्निकली खेती कर रहे हैं, प्रॉपर टेक्निकली तरीके से सारा मेंटेनेंस रखते हैं। और आप देख रहे हो जैसे एक पौधे में 10 से 15 kg प्रोडक्शन ले रहा, तो उससे आपको मिलवाते हैं वो कैसे ये खेती सफल कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आप सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मैं मेवाराम गुर्जर हूँ, देव गांव से हूँ, मेरी बस्ती तहसील है और जिला जयपुर है। तो मेवाराम जी, जो आपने ये टमाटर की टेक्निकली खेती कर रखी है, हाँ जी, तो इसमें आपने क्या क्या किया और कैसे इतनी जबरदस्त, जो कि आज तक हम देखते आए हैं कि पॉली हाउस में इतनी शानदार खेती होती है, आपने बिना पॉली हाउस इतनी शानदार खेती कर रखी है और इतना जबरदस्त जैसे प्रोडक्शन आ रहा है, तो ये क्या क्या प्रोसेस किया और कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसा कि हमने सबसे पहले खेत की जुताई की, उसके बाद में हमने बेड निकाली, उसके बाद बेड निकालने के बाद में इसके अंदर क्या ड्रिप लगाई जी नल की, उसके बाद में ये मल्चिंग बिछाई हमने, मल्चिंग सीट लगाई आपने जी। तो ये मल्चिंग सीट कौन सी आती है और क्या प्राइस की आती है? ये 25 μm की होती है, ये 1800 रुपये का बंडल आता है, इसके अंदर 1000 फीट आती है। 1000 फीट आती है जी। उसके बाद आपने क्या क्या किया इसमें? उसके बाद हमने इसके पौधारोपण किया सितंबर के अंदर, सितंबर माह में। हाँ जी जी। फिर उसके बाद में? उसके बाद में इसके क्या स्प्रे किया, स्प्रे जैसे शुरुआत में आपने पौधारोपण कर दी, उसके बाद पहला स्प्रे आपने कौन सा किया, कौन सा जरूरी होता है करना? मच्छर मकड़ी का होता है जी, मच्छर मकड़ी के लिए आपने स्प्रे किया फर्स्ट। हाँ जी। उसके बाद जैसे पौधे ग्रो हुए तो फिर आपने क्या क्या किया इसके अंदर? खाद डालने की विधि अपनाई हमने। तो खाद ड्रिप से ही चलता है वैसे? हाँ जी। तो ड्रिप से आपने खाद दिया, उसके बाद में जैसे हम देख रहे हैं ये इतने लंबे कैसे रह गए खड़े पौधे जी? इनको क्या है, रस्सियों के द्वारा इस बांस के ऊपर इनको माना जाता है। तो ये जैसे आपके बांस लग रहे हैं, ये कितने कितने फीट पे गाड़ने होते हैं? 10-10 फीट के अंदर। 10-10 फीट के अंदर। इसमें ये जो तार लगा हुआ है ये कौन सा लगता है? ये 14 μm का आता जी, 14 mm का तार आता है जी। और ये रस्सियाँ, एक पौधे को कितनी रस्सी बांधनी पड़ती है? लगभग 10 से 15। 10 से 15 रस्सी होती है जी। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं इनकी हाइट 7 से 8 फीट गई। तो ये जैसे इनका जैसे नीचे से ये प्रोडक्शन चल रहा है, ये साइज आ रही है, तो क्या ऊपर तक जैसे ये छोटे टमाटर हैं ये भी मैच्योर होंगे? होंगे जरूर। तो इसमें आपको एक पौधे से कितने टमाटर, कितना वजन मिल जाता है एवरेज? लगभग 10 से 15 kg जाता है। 10 से 15 kg एक पौधे से एवरेज हो जाता है। तो आपने ये यहाँ पे टमाटर कितने एरिया में कर रखा है? 1 बीघा कच्चा जी। 1 बीघा कच्चा। तो 1 बीघे कच्चे में जैसे अपन बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन हो गया, पौध हो गई, तार हो गया, बांस हो गया, और आपने ये लोटन नल लगा रखा है, तो इन सब में मिला के एवरेज आपका कितना खर्चा हो गया अब तक? 30,000 अब तक। अब तक 30,000 रुपए खर्चा हो गया जी। और आपने इन टमाटरों में से कितने रुपए का प्रोडक्शन बेच दिया? अभी तो हमने 10,000 का बेचा है। 10,000 का बेचा है। तो क्या रेंज में आपका ये मार्केट में सेल हो रहा है टमाटर? अभी 15 से 18 जा रहा है। 15 से 18 रुपए केजी आपका माल जा रहा है। जो कि नॉर्मली टमाटर की बात करते हैं उसका भाव इससे कम रहता है। कम रहता है क्योंकि इसकी शाइनिंग और जो चमक और ग्रेडिंग है वो एक नंबर होती है। हाँ जी। तो इससे 15 से 18 रुपए केजी मिल रहा है। तो आप एवरेज 1 बीघे से आपके हिसाब से अनुमानित कितनी इनकम हो सकती है?
लगभग 70-80 हजार रूपए। 70-80 हजार रूपए एक बीघे कच्चे से? कच्चे से। तो जैसे कि आप परंपरागत खेती भी कर रहे हो? हाँ जी। तो परंपरागत खेती में कितनी इनकम हो जाती है एक बीघा कच्चे से? उसमें से 15-20 हजार होती है हमारी। 15-20 हजार होती है, उसके एवरेज में बात करें तो ये 4 गुना हो गई। 4 गुना हो गई। तो आपका जो ये 30 हजार का खर्चा है वो हो चुका? हो चुका। अब कोई खर्चा नहीं है? नहीं है कुछ भी। अब तो आप इनको मार्केट तुड़ाई करके मार्केट ही भेजोगे? हाँ जी। तो जैसे कि हमारा कोई नया किसान अगर ये टमाटर की खेती करना चाहे, हाँ, तो उसको किस किस मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके फसल में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो उससे बचा जा सके? कोई ऐसी बीमारी आती है कि इनमें जैसे कि 1-2 दिन में पूरे खराब हो गए? जैसे इसके अंदर क्या अभी ये लीफ माइनर की बीमारी होती है। लीफ माइनर हो गया? हाँ, जैसे क्या है पत्तों में पूरे जल जाता है पेड़। अच्छा, पत्ते जल जाते हैं। हाँ जी। तो उसका क्या करना पड़ता है रोकथाम के लिए? मधुमक्खी होती है उसका छिड़काव करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा, स्प्रे करना पड़ता है। हाँ जी। उससे ये ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाती है। और इसमें जैसे बात करें कीड़े की, तो वो तो 1% भी नहीं है आपके इसमें? इसके अंदर क्या पहले लट आती है जी, उसका स्प्रे कर देता है। उसका भी स्प्रे होता है? हाँ। तो अगर नया किसान करे तो ये फायदे का सौदा है? फायदे का सौदा है। तो इसमें मेहनत की बात करे तो मेहनत परंपरागत खेती से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है इसके अंदर मेहनत, ज्यादा है। हाँ। मेहनत के अनुसार प्रॉफिट भी तो इसमें ज्यादा ही मिल रहा है परंपरागत खेती से। हाँ जी। तो जैसे कि एक पौधे में 15 केजी अगर प्रोडक्शन आ रहा है तो आपके एक बीघे कच्चे में लगभग कितने पौधे लग गए होंगे? हमारे लगभग 800-900 पेड़ है इसके अंदर। 800-900 पौधे हैं। हाँ। तो इसमें अनुमानित बहुत ही अच्छी इनकम होने वाली है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने इस तरीके से जो कि हम जहाँ तक देखते हैं पॉली हाउस में ही होती है ये, हाँ, बेल वाले टमाटर की खेती, तो इसमें वैरायटी एक ही है या 2 लगा रखी है आपने? नहीं, ये क्या मानी टमाटर है ये वाला। माणिक? हाँ जी जी। बहुत अच्छी क्वालिटी है जी जी। वजन भी इसके अंदर 100 ग्राम हो जाता है लगभग एक के अंदर। 100 से भी ज्यादा होता है क्योंकि साइज देखते हैं तो 100 से प्लस ही है। हाँ जी। और दूसरी वैरायटी वो हिमशिखर है। हिमशिखर? हाँ। तो उसका भी अच्छा प्रोडक्शन है? उसका भी अच्छा है जी। तो मार्केट रेट कौन से की ज्यादा मिलती है जैसे कि अगर कोई किसान नया करे बेल वाले टमाटर की खेती, तो मार्केट रेट की बात करें तो कौन सा बेस्ट रहेगा? ऐसे दोनों बेस्ट रहता है, हिमशिखर क्या उसकी प्राइस अधिक रहती है। हिमशिखर की ज्यादा प्राइस मिलती है? हाँ। पर वो थोड़ा साइज में इससे कम रहता है, साइज में छोटा रहता है। हाँ। तो वो तो वही बात है, इसमें वेट ज्यादा हो जाता है उसमें रेट थोड़ा अच्छा मिलता है। इस माणिक में क्या ऊपर तक क्या साइज फिक्स रहती है? तो ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अपन बात करें तो यहाँ तक ये रुक जाते हैं क्या पौधे? टूटते नहीं है क्या पौधे? नहीं टूटते नहीं, क्या वापस नीचे आ जाते हैं ऊपर को, इन्हें ऊपर से मारना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वापस घूम के नीचे आ जाएंगे। हाँ। और ये फल चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो ये फल कितने महीने चलेगा आपके, जैसे ये हार्वेस्टिंग कितने महीने चलती है? लगभग ये हमारे दिसंबर से चल रहे हैं। दिसंबर से चल रहे हैं? हाँ जी। और अप्रैल तक चल जाएंगे? अप्रैल तक चलेंगे। हाँ। तो लगभग 3 महीने ये कंटिन्यू चलेंगे? हाँ जी। तो ये लगभग 6 महीने की खेती हो गई? हो गई। सितंबर से अप्रैल तक 6 महीने की खेती हो गई। 6 महीने खेती में आप बहुत ही अच्छा मुनाफा ले रहे हो। तो क्या हमारे किसान भाइयों को आप ये सजेस्ट करोगे कि ये टमाटर की टेक्निकली खेती करनी चाहिए? करनी चाहिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने खुले में सर्दी से बचाने के लिए लो टनल लगा रखा है, फिर भी हम बात करते हैं पॉली हाउस की। पॉली हाउस में ये खेती होती है और ये युवा किसान है जो कि कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और टमाटर की टेक्निकली खेती भी कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी खेती को आगे बढ़ाए, अपने क्षेत्र में अच्छा विकास हो। पानी कितना आपके क्षेत्र में यहाँ पे बात करें तो? पानी अच्छा है। पानी अच्छा है? हाँ जी। तो इसको आप आगे बड़े लेवल पे करना चाहोगे खेती को? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं टमाटर की खेती की दोस्तों, अगर ऐसी टमाटर की टेक्निकली खेती आप करोगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा पाओगे और इसमें ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। लेबर मेंटेनेंस थोड़ा हैवी है, फिर भी बेनिफिट उससे 4 गुना ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप अगर टमाटर की खेती करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, पॉली हाउस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खुले में भी आप बेल वाले टमाटर की खेती करना कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम।